भाइयों बहनों याद करिए, याद करिए 2008 में जब मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, तब जनता का जनादेश, देश का जनादेश कहता था पाकिस्तान पर हमला करो, लेकिन तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार भी कहती थी पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम से डर गए थे। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट किया, तो इमरान खान दुनिया के अंदर चिल्लाता हुआ दिखाई दिया कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। यानी पहले भारत की सरकार उल्टी बोलती थी कि पाकिस्तान में एटम बम है, और आज पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान को बचाओ। ये है भारत की नई ताकत, ये है न्यू इंडिया। और इस न्यू इंडिया के लिए ही, जिसे बनाने के लिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है, भाइयों बहनों उसी में बाधा पैदा करने के लिए विपक्ष के द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है ये नागरिकता कानून, नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। हमें नागरिकता देनी है। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए थे और भारत के अंदर आ गए थे, उन्हें भारत की नागरिकता देनी है। इस दृष्टि से नागरिकता कानून देने का कानून है, लेने का नहीं। लेकिन विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है कि नागरिकता ले ली जाएगी, भगा दिया जाएगा, इसके नाम पर जगह जगह धरना प्रदर्शन आगजनी तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की अराजकता पैदा करने का प्रयास हुआ। 19 और 20 को दिसंबर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, और हमने तो तय किया कि लोकतांत्रिक तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे, अनुमति लेकर के कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई भी हम उन्हीं से करवाएंगे। और भाइयों बहनों हम लोगों ने सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर इसको लागू किया। आपने देखा होगा आज लोग चेक लेकर के आ रहे हैं कि साहब गलती हो गई है, अब गलती हो गई है, अब उनका यह स्वीकृति और आपत्तिजनक है। कांग्रेस, सपा, बसपा या विपक्षी दलों को बोलना चाहिए कि आखिर सीमी के साथ उनके संबंध क्या हैं? सीमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों, पीएफआई जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों की भूमिका को नजरअंदाज करके इनका समर्थन करना, भारत विरोधी नारा लगाने वाले तत्वों के साथ समर्थन में खड़ा होना, एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के वास्तविक चरित्र को भी सामने ला रहा है। और आज यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं, ये नागरिकता कानून भाइयों बहनों देने का कानून है, नागरिकता कानून है, देने का कानून। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और किसी भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन इसको कैसे, इस कानून को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। और भाइयों बहनों यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि इस नागरिकता कानून की आड़ में गुमराह करके कैसे देश विरोधी गतिविधियों को, समाज विरोधी गतिविधियों को, अराजक गतिविधियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सबसे सचेत होने के लिए समाज के प्रबुद्ध जनों के और प्रत्येक भारत माता के प्रत्येक सपूत का दायित्व बनता है, हम कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों के इन षड्यंत्रों में कतई न आने पाए, किसी को भी गुमराह न होने दें, हर एक व्यक्ति को इस बारे में गारंटी दें, किस गारंटी, हमने मकान की गारंटी दी, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा, हमने शौचालय दिए, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा, रसोई गैस के कनेक्शन दिए,
किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं पूछा। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सहायता हर वर्ष देने की व्यवस्था की। किसी की जाति, किसी का मत, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी। लेकिन इस सब के बावजूद अगर गुमराह करने का प्रयास हो रहा है तो भाइयों बहनों सचेत किए जाने की आवश्यकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। और ये देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ आम जनमानस को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। और उसी जागरूकता के क्रम में आज हम सब केंद्रीय और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी आप सबके बीच में आए हैं। ये हर एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है, हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि हम सब आम जन के बीच में जाकर भी उन्हें इसके बारे में सचेत करें, जागरूक करें। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि इसी शब्दों के साथ व्यक्त की थी कि हमने संवैधानिक अधिकारों की बात तो की, अपने संवैधानिक कर्तव्यों की चर्चा आखिर क्यों नहीं की। आखिर इस देश में ये देश का संविधान अगर हमें फंडामेंटल राइट देता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति भी हमें जागरूक करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। हम अपने दायित्वों का भी निर्माण करें, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी क्या हो सकती है। इस देश के प्रति हमारी संवैधानिक दायित्व क्या बनते हैं, यही दायित्व है कि अगर कहीं पर देश और समाज के प्रति में षड्यंत्र हो रहे हैं हम मौन बने हुए नहीं रह सकते, मूक नहीं बने रह सकते। याद रखना, अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, देश के साथ धोखा हो रहा है और तब भी हम मौन बने हुए हैं तो मां भारत की इस उक्ति को हमेशा स्मरण करने की आवश्यकता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य के समय सभी लोग सभा में बैठे हुए थे, बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, ये सभी मौन बने हुए थे और मौन बनकर के चीरहरण के दृश्य को देखते थे। वहां पर इन लोगों के द्वारा लगातार इस दृश्य को देखकर के लोग मौन बने हुए थे। उस समय भाइयों बहनों उस समय द्रौपदी ने एक प्रश्न किया था, उस भरी सभा में एक प्रश्न किया था द्रौपदी ने, और द्रौपदी जी ने उस समय एक बात कही थी और बात कही थी कि इस ताप का दोषी कौन, इस ताप का दोषी कौन। उन्होंने सभी उस सभा में बैठे हुए सभी मंत्रियों से, सभी पार्षदों से यही बात कही थी कि इस ताप का आखिर दोषी कौन। भीष्म पितामह मौन थे, गुरु द्रोणाचार्य मौन थे, सभी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी आ गई हैं, मैं आपकी ओर से उनका स्वागत करता हूं। और भाइयों बहनों वहां पर जब ये बात हुई कि आखिर इसका दोषी कौन, कोई नहीं बोल रहा था, केवल और केवल उस समय विदुर खड़े हुए और विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी दोषियों का, अपराधियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का और तिहाई दोषी जो मौन थे वे भी हैं। और याद रखना, आज देश और समाज के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र में जो हम मौन बने हुए हैं उन सभी लोगों को मैं कहूंगा कि जो देश का चीरहरण करने का प्रयास हो रहा है षड्यंत्रों के माध्यम से, भ्रम पैदा करके, आगजनी के माध्यम से, देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों का समर्थन करके, उन सभी के वास्तविक चेहरे को समाज के सामने व्यक्त करना हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार पुनः काशी किस धरती पर, बाबा विश्वनाथ किस धरती पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नागरिकता कानून के बारे में हम इस भ्रम को दूर करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर 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 हम सबके बीच
केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय विदेश मंत्री रानी जी विराजमान हो चुके हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर हम सब उनका संबोधन सुनेंगे। इसके पूर्व मैं श्री प्रदेश जी को आमंत्रित करता हूं कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिनंदन। आदरणीय श्री प्रदेश मैं श्रीवास्तव जी, मुख्य अतिथि दीदी स्मृति रानी जी का पुष्पगुच्छ और नाम वस्त्र देकर के उनका स्वागत अभिनंदन और वंदन करेंगे। क्षेत्र प्रदेश से निवेदन है, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करें। सभी मंचों पर प्रतिगढ़ का स्वागत अभिनंदन होना है, लेकिन बाकी बाद में अभिनंदन करेंगे। अभी मैं आदरणीय मुख्य अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली स्मृति रानी जी का, जिन्होंने अमेठी में कांग्रेस के वंशवाद को धूल चटाया, राहुल गांधी को पराजित किया, दिल्ली के समाज में जोरदार जयकार लगाएंगे। महादेव का स्मरण कर, मां भवानी के चरणों में नमन कर आज मन प्रफुल्लित होता है कि उस धरती पर आप सबको संबोधित करने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, जो प्राचीन भारत के संस्कार, हिंदुस्तान की सभ्यता और मानवता को परिभाषित करती हो। ऐसी पुण्य धरती काशी पर आज मां भारती की शान में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में सभी नागरिक भाई और बहने जो उपस्थित है उन्हें इस मंच से मैं प्रणाम करती हूं, आपका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। ये सौभाग्य हमारा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र जी ने आज एक बहन को स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक सम्मानजनक मौका दिया। ये शायद प्रभु की लीला है कि जिस दिन मैं आप सबको संबोधित कर रही हूं वो उस एक दिन से दूर है जिस 19 जनवरी को साल 1990 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का, उन्हें जम्मू कश्मीर की धरती से निकालने का एक काला इतिहास हमारे देश का अंग बना। आज आप सब यहां पर उपस्थित हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में अपना समर्थन देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे। ये शायद महादेव की इच्छा थी कि वर्षों से जो विषय ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र के सामने प्रश्न
क्यों स्वीकार किया? ये लालच था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के सदस्य को देश का प्रधानमंत्री बनाना था। वरना पूछे कोई इससे जो मातृभूमि को मां मानता है, क्या कोई बाहरी आकर तुमसे कहे कि तुम्हारे बाप के दो टुकड़े करना चाहते हैं हम? कौन बेटा बेटी है इस देश में जो अपने मां के टुकड़ों को स्वीकार करेगा? कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया, राष्ट्र हित में नहीं परिवार हित में विभाजन हुआ। तो गांधी जी ने तब कहा कि जो हिंदू सिख परिवार छूट रहे हैं पाकिस्तान में, अगर उनका पाकिस्तान में सम्मान नहीं हुआ तो ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है कि उनका संरक्षण हो। बापू के इस कथन को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि साकार किया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, इसलिए आज काशी की धरती से उनका अभिनंदन करती हूँ। 1950 में नेहरू लियाकत एक्ट हुआ, भारत की सरकार के तब के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान में जो लोग हिंदू सिख परिवारों के विशेष परिवार के लोग, उनका संरक्षण करने का धर्म पाकिस्तान का रहेगा। नेहरू लियाकत एक्ट के चलते हिंदुस्तान ने भी जिम्मेदारी को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे। आज एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में भले ही 1950 के आंकड़े कहते हैं कि अल्पसंख्यक 9% तक था, लेकिन 2012 के सेंसस के हिसाब से वो संख्या 14% के पार चली गई। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो वचन विश्व को दिया उस वचन पर हिंदुस्तान का नागरिक खरा उतरा। और उस तरह पाकिस्तान में 1947 में हिंदू सिख जैन बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के, ईसाई धर्म के लोग 23% के थे, घटते घटते उनकी संख्या 3% रह गई और कांग्रेस के कान पर झूठ रह गए थे। कितनी बेटियां ऐसी थी पाकिस्तान में जिनका बाप मात्र इतना कि उन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, उनको जबरन उनके घरों से उठाया गया, जबरन उनका धर्म परिवर्तित किया गया, जबरन उनका विवाह रचाया गया। और तब कांग्रेस सरकार ऐसी बेटियों के समर्थन में कुछ नहीं हुई। कितने सिख परिवार ऐसे हैं जिनकी बेटियों का बलात्कार किया गया, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया और कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं हुई? ये तो भाजपा के कार्यकर्ता जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हिंदू और सिख विरोधी आत्माएं बसी हुई है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कांग्रेस पार्टी ईसाइयों के भी विरोध में खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में ईसाइयों के धर्म के मंदिरों में बम से विस्फोट किया गया। सोनिया गांधी की तब नहीं रोई, मात्र तब रोई जब बाटला हाउस में आतंकवादी को मारा गया। और इसलिए आज जब देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद एक स्वर में कहती है कि हमें हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, पाकिस्तान के इन लोगों को नागरिकता देनी है, तो उसका विरोध कौन करती है? कांग्रेस पार्टी। योगी जी कांग्रेस के कुछ नेता तो ऐसे हैं जो बनारस आके पैराशूट पॉलिटिक्स करते हैं, अमेठी में चुनाव के वक्त सड़क पर खड़े होकर जवाब रोड शो करते हैं, तो नमाज पढ़ते हैं, बनारस में आकर शिवाय
पर पत्थर मारो। पाकिस्तान के लोगों को इतना प्यारा है कि जो देश के टैक्स पेयर से बसें खरीदे जाए वो बसों को तुम जलाओ। पाकिस्तान के कांग्रेस को इतना प्यारा है कि जो ट्रेन देशवासियों की मेहनत की कमाई से बनाई जाए उस ट्रेन को तुम तोड़ो फोड़ो मात्र इसलिए क्योंकि मोदी बेसहाराओं का सहारा है। लेकिन कांग्रेस का ये संस्कार सबल गया। मुझे इस बात का अचंभा नहीं कि अपराधी तत्वों के साथ कांग्रेस जाकर खड़ी हुई है। आप सबने देखा हाल ही में महाराष्ट्र में उन्हीं के सहयोगी ने एमपी संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो एक जमाने में बंबई की कुख्यात स्मगलर से मिला करते थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को कारावास में बंद किया, चौधरी चरण सिंह को कारावास में बंद किया, जेपी को कारावास में बंद किया और मुंबई में स्मगलर करीम लाला को खुले में छोड़ दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है। और दोगले बोल इनके राजनीतिक संस्कार का एक परम अंग बन चुका है। जो आते हैं पर्यटक के नाते बनारस में अपनी राजनीति करना उनसे पूछना चाहती हूं कि साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उन हिंदुओं को नागरिकता देने का कानून पारित किया था जो 1965 और 71 के युद्ध के बाद गुजरात और राजस्थान में बसना चाहते थे। तब मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर राज्यसभा में कहा कि हिंदुओं का भी संरक्षण होना चाहिए। मनमोहन सिंह उसके पक्ष में थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसके कानून को यूपीए की सरकार ने साल 2005 साल 2006 में आगे बढ़ाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके वर्तमान के राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार निवेदन करते रहे कि नागरिकता होनी चाहिए लेकिन जैसे ही गांधी खानदान ने विरोध लगाया कि मोदी ने यह कानून कर दिखाया लाकर उसका विरोध करना है तो अचानक हिंदू विरोधी स्वर ये सब नेता बोलने लगे। हिंदू तब प्यारा था अब प्यारा नहीं क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता फैलाई उसके संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की है और आज उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसलिए आज आप सब जो यहां उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा सबसे निवेदन है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार में कांग्रेस की राजनीतिक करतूतों में जो भ्रम फैलाने का दुस्साहस कांग्रेस पार्टी कर रही है उस भ्रम को तोड़ने में और सच को उजागर करने में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग जुड़े संविधान और राष्ट्रहित में नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में घर घर जाकर राष्ट्रीय एकता का और मानवता का संदेश देने में हमारी मदद करें। आज जब काशी आए तो मालवीय जी का स्मरण करना काशी का एक संस्कार है। धन्य है हम सब कि देश की राजनीति में भले ही वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी ने मालवीय जी को अनदेखा कर दिया लेकिन बनारस के सांसद के भाग्य में था कि भारत रत्न से उनको सुशोभित करके बनारस के राष्ट्र की उन्होंने गरिमा बढ़ाई। एक तरफ
नहीं। आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया तो नरेंद्र मोदी प्रताड़ित हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी परिवारों को संरक्षित हिंदुस्तान में कर सके। आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया 23 साल से त्रिपुरा में बसे हुए ब्रू संप्रदाय के 34,000 नागरिकों को पहली बार उनका अधिकार अगर मिला तो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला। आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया इसीलिए धारा 370 जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उसे हटाने का पुण्य काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे राष्ट्र हित में सदैव हम कार्यरत रहे और जनता जनार्दन से यही आशीर्वाद मांगते हुए बाबा के चरणों में नमन करते हुए शीश झुकाते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद जय भारत।